हिंदू जागरण मंच का कार्यक्रम था बगहा में। मैंने सीधे कहा, कई चैनलों ने एनालिसिस भी की है कि भारत में गिरती हुई जनसंख्या हिंदुओं की, वो चिंता का विषय है और देश में एक कानून बननी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सभी पर वो कठोरता से लागू हो। अगर देश को विकास करना है तो, अगर सामाजिक संतुलन बनाए रखना है समाज में तो, नहीं तो जो पाकिस्तान में दुर्गति हिंदुओं की हुई है वो सारे मीडिया ने दिखाया। अब देश के लोग इस पर अपनी चिंता व्यक्त करें और चर्चा करें कि एक कानून बननी चाहिए। अगर मलेशिया बना सकता है, इंडोनेशिया बना सकता है, बांग्लादेश के मदरसों से और मस्जिदों से कहा जा सकता है, तो भारत में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक कड़ा कानून बननी चाहिए। बिना जनसंख्या नियंत्रण का देश का विकास नहीं होगा। चाइना अगर 79 में नहीं किया होता तो ये नहीं होता। लेकिन कोई करे कोई ना करे, ये दुर्भाग्य है। देखिए साहब, मैं बार बार कहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण आज जरूरी है, लेकिन कोई कबूल ले या कोई ना कबूले, ये उचित नहीं है। इसके लिए कड़ा कानून बने। Addressing an event in Baga, he had said if India does not change its population policy and enforce a two-child norm for all religions, daughters will not be safe and might have to be kept in veil, just like Pakistan.